तो हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम टू बैक माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आप सभी लोग को इस ब्लॉग में स्वागत करते हैं। तो गाइस, अभी हम जा रहे हैं घाट पर। तो चलिए दोस्तों, घाट पर आपसे मिलते हैं। अभी हम लोग हैं दोस्तों 80 तुलसी घाट के मतलब निकट में ही हैं, और हम आपको बैक कैमरे से दिखाने की कोशिश करेंगे दोस्तों, आप सभी लोग को। जो जो मैं जहाँ जहाँ आज जाऊँगा वहाँ वहाँ का आपको वीडियो दिखाऊंगा दोस्तों। और घाट हम घूमने वाले हैं, और घाट पर जो कि आप सभी लोगों को लेकर चलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। ये तुलसी द्वार है, तुलसी घाट की तरफ ये निकल जाएगा रास्ता। आप देख पा रहे हैं, ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है। ये झांसी की रानी का रानी जी का लक्ष्मीबाई जो थी, उनका जन्म स्थली भी इधरी है, इधरी साइड है। और गाइस, और हम लोग जा रहे हैं तुलसी घाट के तरफ। तो चलिए दोस्तों, घाट पे चलते हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों, जो कि ये तुलसी घाट के तरफ जो कि ये रास्ता जो कि जाएगा, और हम और समिंदर भैया तीनों लोग जो कि हम लोग जा रहे हैं, देख सकते हैं। और कहाँ समिंदर भैया, इधर अच्छा यही बिल्डिंग में रह रहे तुलसी जी हैं। इसी देखिए, यही वाला जो कि बिल्डिंग है, इसी में तुलसीदास जी जो कि इसी वाले में रहते थे। ये देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है। आइए आपको अंदर लेके चलते हैं। ये देख सकते हैं, और यहाँ पर चप्पल जो कि उतारेंगे और अंदर की तरफ चलते हैं। बहुत लोग जो कि गए हैं, और अंदर बोल नहीं सकते। जय बाबा भोलेनाथ, जय बाबा। यहाँ पर उधर जो कि दोस्तों हमको कैमरा चालू करने के लिए नहीं दिए। हम कैमरा जब भी दोस्तों चालू कर रहे थे, हमको मना कर दिया जा रहा था। और आइए इधर सविंदर भैया जो कि हमें बताएंगे किधर है सविंदर भैया, और अपने वीडियो के माध्यम हमारे वीडियो पे जितने लोग भी जुड़े हुए हैं सभी लोग लाइक कर दें। और इधर देख सकते हैं, नहीं सविंदर भैया हम लोग नहीं आ पाते। जय बाबा। और ये देख सकते हैं हम लोग ऊपर वाले, और यहाँ से पूरा घाट जो कि आप लोगों को दिख तुलसी बाबा, जय बाबा। आइए थोड़ा पास में सविंदर भैया, ये देख सकते हैं इसी पर तुलसीदास जी जो महाराज जी थे और यहीं पर वो रहते थे। इनके बारे में कुछ बताइए। ये देखिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी जो कि हैं बैठे हुए हैं, इनके बारे में बताइए कुछ सविंदर भैया। यहीं पर रामायण लिखे थे, आप सभी लोग दर्शन कर पा रहे होंगे उनके सैया जो जहाँ पर सहन करते थे बैठते थे। जय बाबा तुलसी, जय श्री राम, राम राम। ये प्रभु श्री राम जी का जो कि आप दर्शन कर पा रहे होंगे, बहुत ही ये जो कि आप दर्शन कर पा रहे होंगे दोस्तों, बहुत ही दुर्लभ दर्शन है। और तो और दोस्तों, प्रभु का जो कि दर्शन हमने पाया, बहुत अच्छा लगा दोस्तों। आप सभी लोगों को अपने चैनल के माध्यम से करा रहे हैं, आपको कभी ये वीडियो देखने को मिला नहीं होगा। और बहुत अच्छा जो कि दोस्तों यहाँ लग रहा है, प्रभु का मुहूर्त। जय प्रभु, कृपा बरसाए रखना प्रभु। हे नाथ नारायण वासुदेवा श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्णा। तो दोस्तों, आपने अभी देखा जो कि हमने दिखाया, और इधर से गंगा घाट जो कि आप देख सकते हैं इसी खिड़की से गंगा घाट, यहीं पर साक्षात जो कि तुलसीदास जी बैठकर इसी गद्दी पर जो कि आप गद्दी देख पा रहे हैं, उसी गद्दी पर बैठ कर जो कि साक्षात रामायण रामचरित मानस का जो कि रचना किए थे और हम लोगों को दिए थे, जो कि हम लोग अपने बुद्धि से सरस्वती की कृपा से हम लोग पढ़कर उसका अमृत प्राप्त कर पाते हैं। तो दोस्तों, ऐसे हमारे संत गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी को नमन करते हैं,
प्रणाम करते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र की चरणों में शीश झुकाते हैं। तो बोलिए आप सभी लोग एक बार फ्रेंड से, इस पर रामायण लिखा गया था और गंगा वेद व्यास जी जो कि गंगा उस पार, जो कि दोस्तों वेदों व्यास जी जो कि लिखे थे महाभारत ना, महाभारत जो कि दोस्तों लिखे थे। तो आइए एक बार आपको फिर से दर्शन करा देते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ से चलते हैं। और आप फिर से दर्शन कर लीजिए स्वामी गुरुस्वामी तुलसीदास जी जो कि हैं, उनकी जो कि वहाँ पर यहाँ पर बैठे रहते थे और यहाँ पर जो कि अपना रामायण लिखते थे। और प्रभु श्री रामचंद्र जी का जो कि आप दर्शन कर पा रहे होंगे, बहुत दुर्लभ ही दर्शन है। और नीचे शिवलिंग इत्यादि रखे हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे शालिग्राम। और इधर विराजमान है श्री गणेश जी शायद, और इधर विराजमान है हनुमान जी। तो यही कुछ दृश्य है दोस्तों, बहुत जो कि बहुत ये पुराना है, तुलसीदास जी का समय का ये बना हुआ है। और ये जाने का रास्ता है इधर से, जो कि हम लोग आए थे इधर से हम लोग जाएंगे। और यहाँ पर कुछ यहाँ से खिड़की की तरफ से कुछ यहाँ से व्यू आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर गंगा घाट पर जो कि लोग नहाते हैं, ये तुलसी घाट पर लोग नहा रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ से पूरा दृश्य जो कि आप देख पा रहे होंगे गंगा घाट। हाँ, जो कि वहाँ जलपरी भी देख सकते हैं, जलपरी वाला नाव भी लगा हुआ है। आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद जय भारत। आप सभी लोग स्वस्थ रहे मस्त रहें, आप सभी लोग पर प्रभु श्री रामचंद्र जी का कृपा बना रहे। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में जय हिंद।